हेलो गाइस, वेलकम टू संध्याज पाठशाला। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन मैथमेटिक्स वर्कबुक स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 5। ओके चिल्ड्रंस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूले, जिसके कुछ फार्मूलाज हैं जो 7 स्टैंडर्ड में भी थे। चलो उनको रिमाइंड करते हैं, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर एन प्लस 2ab। फॉर्मूला नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड फॉर्मूला नंबर 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदर फार्मूला भी है जिसको हम ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले को कैसे सम में यूज करना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 16 एंड y माइनस 12 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। y अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है, y प्लस 16 एंड y माइनस 12 है, दैट मीन्स y प्लस a इंटू y माइनस b है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई y, y स्क्वायर अभी क्या था प्लस, इधर फॉर्मूला में क्या था देखिए, a प्लस बी था तो हम इधर क्या ले लेंगे, a माइनस बी ले लेंगे, दैट मीन्स 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय वाई। अभी इधर प्लस था क्योंकि दोनों प्लस के हैं, प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस, बट इधर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज माइनस, मीन्स यहाँ पर आएगा माइनस का साइन 16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12 4 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे y से तो आएगा 4y, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे आंसर इज 192। ओके, सो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थर्ड सम भी सेम है, a प्लस 18 एंड a माइनस 20, तो सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय a एंड प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस 18 मल्टीप्लाई 20। ओके, नाउ a स्क्वायर 18 माइनस 20 है तो डेट मीन्स माइनस 2 बैलेंस रहेगा एंड प्लस माइनस माइनस 2a एंड मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू जा 36 एंड 0 इज 36 360। सो आंसर इज ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 360, ठीक। नाउ नेक्स्ट सम, m माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12, m स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय m एंड माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस 10 मल्टीप्लाई 12। सो m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बट साइन इज ऑलवेज माइनस 22m प्लस 12 10 जा 120। सो आंसर इज m स्क्वायर माइनस 22m प्लस 120। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, 13 प्लस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 15, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 13 मल्टीप्लाई n माइनस 15। तो अभी सेम देखिए ऐसे ही हो गया फॉर्मूले के जैसे, n स्क्वायर प्लस 13 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय n एंड प्लस माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई 15। सो एन स्क्वायर 13 माइनस 15 माइनस 2n एंड माइनस एंड 13 एंड 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 थ्री जा 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 15 वन जा 15 एंड 4 195। ओके, सो आंसर इज n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 195। नाउ नेक्स्ट सम इज x प्लस 3 अपॉन x मल्टीप्लाई x माइनस
थ्री अपॉन एक्स। अभी हमने फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं तो उसमें अभी आपने देखा होगा, मैं इधर रफ काम कर देती हूँ थोड़ा सा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स इन दोनों का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन करके एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर सेवन, y प्लस टू अपॉन फाइव एंड y माइनस फोर अपॉन फाइव, दैट मीन्स x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस फोर अपॉन फाइव। सही, मल्टीप्लीकेशन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली, टू माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस माइनस माइनस, फोर टू ज़ा एट एंड फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव। सो आंसर इज वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन फाइव वाई माइनस एट अपॉन ट्वेंटी फाइव। नाउ नेक्स्ट सम इज एम माइनस थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय एम प्लस सेवन अपॉन फोर, सो आंसर एम स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय एम एंड प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन अपॉन फोर। सो एम स्क्वायर इनको सॉल्व करेंगे प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, डिनोमिनेटर सेम है तो फोर थ्री माइनस थ्री प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय एम एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन एंड फोर फोर ज़ा सिक्सटीन। नाउ इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन फोर एम एंड माइनस ट्वेंटी वन अपॉन सिक्सटीन। अब आप देखिए फोर से फोर डिवाइड हो जाएगा, सो आंसर इज एम स्क्वायर प्लस एम माइनस ट्वेंटी वन अपॉन सिक्सटीन, दिस इज द आंसर। नाउ असाइनमेंट टू, एक्सपांड यूजिंग द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर वन इज ऑलरेडी सॉल्व, सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू, फाइव एक्स प्लस फोर वाई होल क्यूब। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। So we use this formula and solve the sum. 5x is a and 4y is b. 5x ka cube plus 3 5x square plus, multiply 4y plus 3 5x and 4y square plus 4y whole cube इज इक्वल्स टू फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री ब्रैकेट में ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फोर वाई प्लस थ्री ब्रैकेट में फाइव एक्स एंड फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्सटीन वाई स्क्वायर एंड फोर वाई का क्यूब सिक्सटी फोर वाई क्यूब। ओके, वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव फोर ज़ा
300 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 5 15 एंड 15 एंड 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब. सो आंसर इज 125 एक्स क्यूब प्लस 300 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 240 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब. नाउ नेक्स्ट सम इज, थर्ड सम इज 2x प्लस 1 अपॉन 2x का होल क्यूब. सेम प्रोसेस, 2x क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x, दिस इज ए एंड दिस इज बी, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब. सो 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 3 4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x एंड 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब. नाउ 8x क्यूब प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 सेम इधर 1 अपॉन 2x बचेगा एंड प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब. सो आंसर इज 8x क्यूब प्लस 6x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब. ओके नाउ नेक्स्ट सम इज 22 क्यूब. इसको हम लिखेंगे 22 प्लस 2 होल क्यूब एंड 20 को सपोज करेंगे ए एंड 2 को बी और सेम फार्मूला यूज करेंगे. 20 क्यूब प्लस 3 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 एंड 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब. सो 20 का क्यूब 800 प्लस 3 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 800 नहीं 8000 होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 का क्यूब 8. सो 8000 प्लस 2400 प्लस 240 एंड प्लस 8. सो टोटल इज 8 4 6 एंड 10 10648. दिस इज द आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट सम इज सेम 41 होल क्यूब. तो इसको लिखेंगे 40 प्लस 1 का क्यूब तो 40 क्यूब प्लस 3 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 64,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 एंड 1 क्यूब इज 1. सो 64,000 प्लस 4800 प्लस 120 एंड प्लस 1. सो आंसर इज 1 2 9 8 and 6. तो 68,921 आंसर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज 3x अपॉन 4y एंड 4y अपॉन 3x. तो 3x अपॉन 4y क्यूब प्लस 3x अपॉन 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4y अपॉन 3x प्लस 3x अपॉन 4y एंड मल्टीप्लाई 4y अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y अपॉन 3x क्यूब. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 27x क्यूब एंड 64y क्यूब. स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर अपॉन 16y स्क्वायर
multiply 4y upon 3x plus 3x upon 4y multiply 16y square upon 9x square and plus 64y cube upon 27x cube. As it is likhenge 27x cube upon 64y cube plus 3 se 9 ko divide karenge x se x ko and 4 se 16 ko and y se y ko. So balance bachega 3x upon 4y plus 3 se 9 ko x 4 se 16 y se y and x se x. So the 4y upon 3x plus 64y cube on 27x cube. So answer is 27x cube upon 64y cube plus 3x upon 4y plus 4y upon 3x plus 64y cube upon 27x cube. Is the answer. Okay children, assignment 3 आपको next part में मिलेगा. If you understand assignment 1 and assignment 2, so please like, share and subscribe. Thank you.